अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। इतिहास के बारे में आपको फिर भी हुई, और जैसा ही शाम को हम निकले करीब 5 किलोमीटर जाने पर ब्लास्ट शुरू हो गया। टैंक माइंड लगा रखा था, टैंक हमारे साथ थे, तो ब्लास्ट होने पर हल्का करके थे मेजर इंजीनियर हो गए। वो टैंक के लिए टैंक माइंड लगाया था लेकिन टैंक बच गया। तब कितने होगा वो उनके पूरे शरीर में लगा और वहाँ पर इंजर्ड हो गए, और उसके उनको वहाँ से फिर पहले दिन में ही हॉस्पिटल वापस आना पड़ा। जब कुछ पहले चार्ली कंपनी मैनेजर वर्किंग कमांडर थे, सुबह सुबह के टाइम में हम जा रहे थे, रात भर चढ़ी सुबह हो गया, तो लेडीज लोग उसमें घरों में दाएँ बाएँ वो फूल लेडीज थे, तो जब वो जब ऐसे कह रहे थे वर्किंग साहब ने हम सब आप थे, तो लेडीज चलो अयो अयो करके हमें माफ करो और फिर छोड़ दो ऐसे कह रहे थे, तो वर्किंग साहब को थोड़ा दया आ गई लेडीज को, तो वो छोड़ कर कैसे गए, एक लेडीज ने रिवॉल्वर से मार दिया उनको और हाथ में लग गए और जख्मी हो गए, और वो चार्ली कंपनी के वसी भी जख्मी हो गए, उनको भी वापस आना पड़ा। उसके बाद आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ गए, 12 तारीख हो गई, 12 तारीख पे ऐसी गोलीबारी आती रही। 13 तारीख को हमारा घमासान वहाँ पर एयरटीन के साथ हुआ, 13 सिप्लाई, और जैसे ही स्कोर हुआ 13 सिप्लाई का पूरा हालत था, बहुत इंजर्ड हुए थे, बहुत शहीद हो गए थे, टैंक में लाद के उनको ला रहे थे। जैसे ही वो पीछे चले गए हम गुजराव में, हम सबसे लास्ट में थे, जैसे उजाला हुआ एनसीसी ने चारों तरफ से भेज दिया, और वहाँ पर डिफेंस के लिए कोई जगह नहीं था, ओपन थे और नाली ऐसी बनी हुई, तो सब में डिफेंस के लिए अल्फा चले, वो चाहे डेढ़ था जो साल बीच में थे उनके साथ बटन हेडक्वार्टर, और हर एक बोला वो बड़ी आराम शुरू हुआ ऑटोमेटिक फायर। तो इतने में सीओ साहब चिल्लाते हुए कंपनी को ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन वो खड़े थे, हम सब उनके साथ बैठे थे, उनका ऐसा फ्रेश बुखार आया उनके सीने में लगी थी, और वो कुएं के पास के पिल्लर में ऐसे खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि देखो
उसके बाद वो गोली अंदर ही रह गई, काफी दूर से आएगी गोली थी। उसके बाद उनको थोड़ा जब चक्कर से आना वो बैठ गए वहीं पर, शाम को बुलाया वो डेल्टा कंपनी के, वो उनको कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो रंजीत, मैं आप मुझे गोली लगी है, आप घबराओ मत, मुझे अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं मुश्किल हो गया, अगर मुझे ज़्यादा ही हो जाए तो आप कमांड संभाल लें। तो ये बोला तो इसमें थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उनको बहुत इंजेक्शन दिया अंदर, लेकिन वो बेहोश हो गए, हमने सब जिटा दिया उनको वहाँ पर। ऐसा रणवीर सिंह साहब फिर उनके कमांडर से लिंक हुआ, उन्होंने गनशिप मंगाया है, गनशिप हेलीकॉप्टर होता है जो चारों तरफ फायर करता है। गनशिप मंगाने के बाद ऐसा रणवीर सिंह साहब जो ऑफिस सिटिंग सीओ कर रहे थे उनसे लिंक हो गया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से वो रेफरेंस मांगते थे टारगेट का, मैं बिल का रेफरेंस टाइप में भेजा था और वो बात करते थे और वो सीधा उस जगह पर गोला दाग देते थे। ऐसे करते करते चारों तरफ का जो जो मिलिटेंट थे वो भागना पड़ा होते, और दिन होते होते करीब 11 ही बजे थे जब सीओ साहब को खोजी लगी। तो उसके बाद काफ़ी देर तक रहे, एक हेलीकॉप्टर MI8 आया डी हेडक्वार्टर से, लेकिन वो MI8 हेलीकॉप्टर का उतरने ही नहीं दिया वहाँ, वो इतने ऊपर जैसे ये वायर है इतने ऊपर आते आते ब्रस्ट पार आए उसके पास, वो उन्होंने पहले फेंके और निकल गए। फिर देखा दूसरा चांस, कुछ गोली कम हुई तो दूसरा चांस भी आया, वो आया फिर भी ब्रस्ट पार, तो फिर वो निकल गए। उसके बाद में तो अब जाने का, अगर उस समय हेलीकॉप्टर में चले जाते तो हमारे साहब बच जाते। तो उसके बाद टैंक आए, टैंक में उनको डालना पड़ा, में काफ़ी टाइम हो गया था, 3 घंटे हो चुके थे, हमारे बहुत बिगड़ हुए थे। उस दिन 3 आदमी हमारे शहीद हुए थे, आयुर्वेद बाबा साहब, मेजर NJD सिंह डेल्टा कंपनी कमांडर, और राइफलमैन अशोक डाकरे का है, ये सिग्नल ऑपरेटर थे। उसी दिन 3 आदमी शहीद हुए। तो आज हम डेढ़ साल के दौरान में हमारे 30 अफसर देश के द्वारा शहीद हुए और 70 हुए, और उसमें हमारे 72 में एक महा साहब को 3 बाद में इनको कमीशन पर एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट हम साथ ही रहते थे, हमने 2-3 कोर्स साथ किया बाबा साहब का, मैंने वेपन कोर्स किया, हमारे साथ कौर साहब भी थे वेपन कोर्स करने वाले, और ये इतने होशियार ऑफिसर, इतने इनर्जेटिक, हम कहते हैं तो सदा ग्रुप्स के साथ ऑफिसर के साथ सबके साथ उनका बहुत अच्छा मैत्री, बहुत अच्छा इनका स्वभावरण। फिर मैंने और बाबा साहब ने हमें क्या विंटर वार ड्रेस को मुझे कनर ऑफ द रेजिमेंट नंबर चेक बताओ, मैं 4-5 ईयर में जब आया, मेरा मेरे को 5-5 या और जगह भी रहा, मैं सबसे बढ़िया मेरा टर्नओवर वहाँ पर रहा, वो सब वेरी गुड ऑफिसर, बहुत अच्छे जवान, बहुत अच्छे JCO, और ये लोग हम लोग रहते थे। और बाबा साहब की खूबी ये थी कि हम लोग कंपनी कमांडर थे, बिटप्पा साहब थे अल्फा कंपनी कमांडर,
बाबा साहब का बाबा फिल्मों से ही जाते ब्रह्म में आए थे सर आप हाशीमारा में ब्रह्म जब हम हाशीमारा में थे मैं भी क्या वहाँ सागर मेरी पोस्ट वही वहाँ से फिर पता चले कि आप लोग फिर बेंगलोर गए बेंगलोर से फिर और जगह गई हम आप ही रहेंगे इनकी बिल्डिंग यहाँ से बनेगा चंद्र मोड़ के जगह पे इनकी बिल्डिंग बना रहे हैं चंद्र मोड़ की जगह बने मैंने लिए अच्छा। ये इनका तारुफ मैं दिखा रहा था ताकि आप बाई चांस हम नहीं हो तो ये आइए ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से थे यूपी के चीफ इंजीनियर और ये श्रीवास्तव है और ये यहाँ पे आपका करीब जो बाई चांस आपको कभी भी हो इनको जरूर नहीं है बिल्कुल सर बहुत अच्छा है और मैं आप सबको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ और आपकी यूनिट को भी कहता हूँ जब यहाँ पे थी तब यहाँ पे एक छोटा सा और मेमोरियल था वो कोई कारण वही शुक्र तोड़ते थे यहाँ के कई लोगों की इच्छा होती है वो तोड़ते जाते थे उन्होंने मिस्टर बाबा ने पहले उधर लगवाया था उसको तोड़ा उन्होंने यहाँ पे उसको तोड़ा यहाँ पे भी एक उनको बनाया था शायद आपकी यूनिट नहीं नहीं उससे पहले तोड़ा फिर उसके बाद हमें सी ओ साहब वहाँ पे थे उनको कहा कि भाई आपका ही है उसके नाम बना पड़ा हुआ है वो डॉक्टर बाबा के जोर से नाम भी लग गया और सोसाइटी के हिसाब से लग के उन्होंने करा तो वो नाम भी लग गया तो यहाँ पे फिर मैं कहा कि क्यों तो आप सबके और यूनिट के साथ ये स्मारक का है बार बार पापा जी इसको करते रहते हैं आपकी बहुत बहुत चीज़ें आपकी आपने रख रहे हैं और बहुत अच्छा बहुत फाइट किया कि महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हम